नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी कंसल। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। गर्मी में कुछ लोगों को नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम, सेहत को हो सकता है नुकसान। विद्या नॉलेज पार्क के पत्रकारिता विभाग में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हुआ। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया बेहद जरूरी संदेश, ध्यान नहीं दिया तो करवा बैठेंगे नुकसान। एक महीने में 71 लाख अकाउंट बंद, व्हाट्सएप ने कसी यूजर्स पर लगाम। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर से चमत्कार, बचेगा बारिश का पानी, 75% काम पूरा। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी के मौसम में अगर आप खूब आइसक्रीम खाते हैं तो ये आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। दरअसल आइसक्रीम को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए कई हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आइसक्रीम खाने से परहेज करें। आइसक्रीम को बनाने में शुगर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में ये आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़ाकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ज़्यादा आइसक्रीम के सेवन से आपके दांतों में कैविटी होने की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में जब भी आइसक्रीम खाएं तो कोशिश करें थोड़ी देर बाद ब्रश कर लें, इससे आपके दांतों पर चिपका हुआ आइसक्रीम हट जाएगा। विद्या नॉलेज पार्क के पत्रकारिता विभाग में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हुआ, जहाँ बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 11th और 12th के बाद भविष्य का सपना संजोए बच्चे मीडिया जगत में अपनी जगह कैसे बनाएं और इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग और डिग्री की आवश्यकता होती है, सब कुछ विस्तार में जाना। साथ ही साथ रेडियो जॉकी, न्यूज़ एंकर, वॉइस एक्टर, कैमरामैन और वीडियो एडिटिंग की बारीकियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से समझा। बच्चों में मास कम्युनिकेशन विद्या नॉलेज पार्क के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए खास उत्साह नजर आया। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया बेहद ज़रूरी संदेश, ध्यान नहीं दिया तो करवा बैठेंगे नुकसान। अक्सर देखा जाता है कि स्कैमर्स कॉल करके आपको कहते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर दीजिएगा। कई यूज़र्स डर जाते हैं या अनजाने में स्कैमर्स के निर्देशों का पालन करते हैं। इसके बाद स्कैमर्स ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को धोखाधड़ी वाली कॉल के बारे में चेतावनी जारी की है। दूरसंचार विभाग .net ने लोगों को संचार साथी पोर्टल www.sancharsathigovernment.in पर ऐसी धोखाधड़ी वाली कॉल की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। एक महीने में 71 लाख अकाउंट बंद, व्हाट्सएप ने कसी यूजर्स पर लगाम। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, उसे देश भर से 10,000 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। नए भारतीय IT नियम 2021 के मुताबिक व्हाट्सएप ने देश के कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की है। कंपनी ने इसके लिए एक महीने में भारत में 71 लाख से ज़्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए हैं। आपको बता दें कि कंपनी इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, ऑनलाइन सुरक्षा और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करती है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम यूज़र्स की प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान देते हैं, विशेषज्ञों की सहायता से साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और गलत सूचना को रोकते हैं। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक के एलिवेटेड वायडक्ट स्टेशनों और डिपो में 900 से ज़्यादा वर्षा जल संचयन पिट्स बन रहे हैं। इनमें से लगभग 75% से ज़्यादा का काम पूरा हो चुका है। इनसे लाखों क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की अपेक्षा है। इस सिस्टम की मदद से भूजल स्तर को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। तो यह थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें विद्या न्यूज़।